हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम मानव अंडाशय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी आज की इस वीडियो में लिखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, देखिए, एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, जो कि पुरुष के शुक्राणु जनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है, यानी अलग है। अंडजनन की शुरुआत भ्रूणीय परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कोई मिलियन मातृयुग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और इसकी वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इन कोशिकाओं यानी अंडजननी प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती होती है और प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। ओके, प्रत्येक भ्रूणीय अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती है। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है। ठीक है, शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था वन में प्रविष्ट होती है और इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती है। इन्हें प्राथमिक अंडक भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कनिकामय कोशिकाओं की परत से आवृत होती है और इन्हें प्राथमिक पुटक कहते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने मानव अंडाशय पर एक संक्षिप्त वर्णन की टिप्पणी मैंने लिख लिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।